तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे काम पूरे कैसे होंगे। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें काम करना है, और कुछ भी करने से पहले बस मुझसे पूछ लिया करो, या नहीं भी पूछना है तो मेरे पास आकर मुझे बता दिया करो। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि मुझे अपने काम का भागीदार बना लिया करो और उसके बाद काम करते चले जाओ। जब मैं ही जिस काम का भागीदार बन गया, फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप होते चले जाएंगे। अब एक काम करो, तुम अपना आलस छोड़कर बस अपने समय पर अपना पूरा काम करना शुरू करो। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलता, और ना ही मैं पहले भी तुम्हें कुछ बोलता था, पर अब बस अब आलस से नहीं होगा। अब तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, मेरे बहुत सारे काम करने हैं जो मैंने तुम्हें दिए हुए हैं। उन्हें करने का सही समय अब आ गया है। तुम चिंता मत करो, तुम सब समझ जाओगे। वक्त आने दो, सब समझ जाओगे कि क्या करना है और कैसे करना है। बस इंतज़ार करो। और मेरी पूजा इतनी कठिन नहीं है। मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि बाबा आपकी पूजा कैसे करूं, तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि मेरी पूजा इतनी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस सच्चे मन से मेरा नाम ले लो। घंटे भर बैठने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे बैठकर मेरा नाम जाप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बातें करो, और अपने मन के अंदर तक जब मुझे महसूस करोगे तो समझ लेना कि तुमने मेरी पूजा कर ली। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास है। जब मैंने ही तुम्हें जो चीज़ें दी हैं, उसकी ज़रूरत मुझे कैसे हो सकती है, तुम खुद सोच के देखो। इसलिए तुम्हारे रुपयों पैसों की, तुम्हारे फल फूल की, तुम्हारे मिठाइयों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है तो तुम्हारी, मुझे ज़रूरत है तो तुम्हारे मन के अंदर अपने एक स्थान की। मुझे ज़रूरत है कि सच्चे मन से तुम मेरा जाप करो, सच्चे मन से तुम मेरे बारे में सोचो। बस मुझे उतना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे, खुश रहो।